आज सोनी लेकर आई है झटपट बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट कच्चे आलू का ऐसा नाश्ता कि जिसमें चाट का भल्ले का भी स्वाद आए और बस जीव लल जाए। बढ़िया बिना चटनी अच्छी लग रही है। राम राम जी, नमस्ते और साहब, कैसे हो? आशा करते सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी विलेज लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज सोनी लेकर आई है झटपट बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। कोई पधारे, झटपट बनाइए और खाने वाले बोलेंगे वाह। राम राम, राधे राधे सभी को। तो चलिए हम नाश्ते की तैयारी, और वो भी सिर्फ आलू से, कच्चे आलू से, कच्चे आलू से। लिए वीडियो शुरू करते हैं और हमने यहाँ पे लिए हैं चार आलू, और इस समय सर्दी का जो मौसम, बड़े बड़े आलू लिए हैं चार। सर्दी का मौसम है, इस मौसम में नाश्ता मिल जाए आलू का, वो भी इस समय नए आलू आ रहे हैं ना, एकदम बढ़िया वाले, इनसे चिप्स वगैरह बनती है। तो अच्छा, मोटे वाले से खुरनी है ये, हाँ। ये इधर ये छोटा साइज है और ये मोटा वाला है, तो मोटे वाले से इनको हम खुर देंगे। ये देखो कैसा साइज निकल रहा है, इस तरीके से निकाल लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इतना टेस्टी बनता है ये कि आप एक बार खाओगे ना तो बार बार बनाओगे इसको। सोनी, मीठी सॉस तो अपने पास रखिए ना, चटनी वाली, हाँ, छुआरे वाली, बस उससे तो आनंद आ जाएगा इसमें, उसी से खाएंगे। बस झटपट बना दो आप। और अभी इसको, आलू को हमने पूरा खुर लिया है, और इसको धो लेंगे अच्छे से। धोने का मतलब ये, इसको ऐसे धोना है कि इसके अंदर वो होता है ना वाइट वाइट पदार्थ, तो उसको सबको निकाल देंगे। कम से कम 4-5 बार धोएंगे आलू को अच्छे से, एकदम क्लियर पानी हो जाए जब तक धोना है। चलनी में जानेंगे जो जब भी पानी अच्छे से निकलेगा, है सोनी? चलनी वाली कहाँ है वो? पर पीला पीला दिख रहा है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं इस पर, एकदम डायरेक्ट शाम की। अभी हम इसको दूसरी बार धो रहे हैं, एक बार हमने धो दिया, अब देखो दूसरी बार में भी कितना निकलेगा वाइट वाइट। अगर इसको एक दो बार ही धो के बनाने के कोशिश करेंगे ना, तो ये क्या होगा, एकदम क्रिस्पी पन नहीं आएगा इसमें, कड़क नहीं होगा, ये नरम नरम सा रह जाएगा, फिर वो आनंद नहीं आएगा खाने में, इसलिए अच्छे से धोना है इसको 3-4 बार। हाँ, 3-4 बार 5 बार, यानी ये पानी अभी ये दिख रहा है ना वाइट वाइट, ये एकदम क्लियर दिखना चाहिए। और अभी ये क्लियर भी वैसे भी दिखने लगा है, लेकिन अभी फिर भी हम इसको 2-3 बार और धो लेंगे। और अभी देख सकते हैं, अभी एकदम साफ दिख रहा है, तो बस ये हमने 4 बार धोने में ही साफ हो गया। अभी इस पर रख देंगे तो जितना पानी होगा निकल जाएगा। अभी ना इसके ऊपर हम तौलिया बिछा देंगे या कोई कपड़ा, जिससे कि इसका पानी सारा जल्दी सूख जाएगा, मतलब ये कपड़ा सोख जाएगा। अभी तो हमारे यहाँ पर धूप भी खिल रही है, तो धूप है और कुछ कपड़ा है, तो जल्दी से ये सूख जाएगा, यानी फलेरा पड़ जाएगा। जब तक हमारा आलू सही हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, मसाला तैयार करते हैं। तो मसाले क्या क्या डलेगा इसमें, सोनी बताइए? हरी मिर्ची, इसमें तो सिर्फ हरी मिर्ची दिख रही है, अकेली हरी मिर्च और नमक। हरी मिर्ची और सिर्फ नमक, हाँ। दो ही आइटम डलेंगे बस, इतने से ही एकदम मस्त बनेगा, वाह। चलिए बनाते हैं। मिर्ची भी ज़्यादा नहीं, हमने 5 मिर्ची ली है, लेकिन ये थोड़ी तीखी वाली है, अभी इनको बारीक कटिंग कर लेंगे। और अभी हमने मिर्ची को एकदम बारीक कटिंग कर दिया है, ये देख सकते हैं। तो अभी हमने गैस चालू कर दी, कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल। तेल तो आप कौन सा भी ले सकते हो, जो सा आप इस्तेमाल कर रहे हो, रिफाइंड वगैरह भी कर रहे हो तो वो भी ले सकते हैं। और इसको हम ऐसे कपड़े से हल्का हल्का पोंछ लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा आलू के ऊपर वो सूख जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। अभी देखो तौलिया नीचे से गीली हो गई ना, तो काफी पानी तौलिया के अंदर चला गया। परात में डली है हरी मिर्च, इसी के अंदर डाल देंगे आलूओं को भी, हाँ। अब तो फरेरे पड़ गए, हाँ। और इसमें डालेंगे हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। यहाँ पे कितना डाला, आधा चम्मच, एक चम्मच, आधा चम्मच। और अभी लिया है हमने यहाँ पे खल्लड़, और इसमें डालेंगे लाल मिर्च। तो इनको कूट देंगे थोड़ा दर दरा सा, देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। और अभी हमारी मिर्ची कूट चुकी हैं,
अभी आधी चम्मच एक कुटी हुई मिर्ची डालेंगे। इनसे ना बहुत बढ़िया इसमें स्वाद आएगा और देखने में भी काफी सुंदर लगेंगे। क्या है? अरारोट। अच्छा, अरारोट डालेंगे आलू के अंदर। ये वही अरारोट है गाइस जो चाट बनाते हैं ना, चाट में डालते हैं। इससे ना क्रिस्पी बनाता है एकदम बढ़िया। तो 3 चम्मच हम अरारोट डालेंगे। 3 चम्मच अरारोट। मैदा भी डाल सकते हैं, चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। मैदा या चावल का आटा डाल सकते हैं, गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ। अभी इसको अच्छे से मिला देंगे हैं? हाँ। और कुछ डलेगा इसमें? नहीं, अब कुछ नहीं डलेगा। बस हो गया? हो गया, बस इतना ही आइटम डलेगा। ज्यादा कुछ आइटम नहीं है, ज्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा और स्वाद का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और 2 चम्मच हम डालेंगे मैदा। मैदा भी चाहिए? हाँ। तो 2 चम्मच मैदा डाल लिया अभी। अच्छा, अभी ये परफेक्ट मिल गया। हाँ। तो ये देखो अच्छे से मिला दिया है और कैसा बन गया। और अभी इसके हम पकौड़े जैसे बना सकते हैं, यानी टिक्की जैसी। तो हाथ से भी बना सकते हैं, नहीं तो कोई सोनी बातें बना कपते तो नहीं, ऐसे एकदम बढ़िया बढ़िया बन जाएंगे। गोल मट्टू ऐसे ही बना दे। नहीं, वो कपते जो कप रखे हैं हाथ से ही बना लेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। और तेल गरम हो गया, तेल रखा है हमने। कितना गैस रखी है इसके लिए? मीडियम। तो मीडियम गैस पे हम इनको सेकेंगे। अभी इसी प्रकार से हम बना बना के टिक्की से इसमें डाल देंगे। और जब तक ये कड़क ना हो जाए एक साइड से, अच्छे से धीरे से रखना है ताकि तेल नहीं उचटे। और ये साइड से एकदम कलर दिखने लगेगा, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये भी हल्का सा कलर दिखने लगेगा इस पे, यानी गोल्डन सा हो जाएगा जब इसको पलटेंगे ना। क्योंकि अभी अगर इस पे हमने कचली वगैरह लगा दी, अगर पलटने की कोशिश की थोड़ी देर बाद भी, तो ये बिखर जाएगा। इसीलिए चार ही बन पाएंगे एक बार में। चार पांच बन जाएंगे। अब देखिए थोड़ा थोड़ा ऊपर कलर आ गया, तो इनको हम पलट देंगे। अभी देखने में काफी मस्त लग रहे हैं, है ना? ये हल्के से गजब का लग रहा है। आराम से पलट देंगे। और आप भी एक यूनिक मस्त सा नाश्ता करोगे ना, ये वाला आनंद आ जाएगा। जिस किसी को भी खिलाओगे तारीफ जरूर पाओगे। बस ऐसे ही आराम से पलट देंगे और इनको मीडियम पे ही तलेंगे। मीडियम से कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते गैस। ज़्यादा करोगे तो ये जल जाएंगे, उतना आनंद नहीं हो पाएंगे। हाँ, कुरकुरे नहीं हो पाएंगे फिर। इसलिए मीडियम या मीडियम से कम गैस रखेंगे। अभी कितना बढ़िया कलर दिख रहा है। और इनको कंप्लीट सिकने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। बस इसी प्रकार आराम आराम से सेकना है। मुरमुरे की तरह। और अभी देखने से ही पता चल रहा है क्रिस्पी एकदम बढ़िया सिक चुके हैं। आवाज से ही आपको पता चलेगा कितने क्रिस्पी कुरकुरे सिक्के तैयार हुए हैं हमारे आलू के। बहुत ही बढ़िया बढ़िया पकौड़े जैसे कच्चे आलू का बेहतरीन नाश्ता। और अभी ऐसे ही बना बना के फिर से डाल देंगे कढ़ाई के अंदर, जैसे हमने पहले सेके उसी प्रकार से सेक लेंगे। और देखो परात को थोड़ा इधर की तरफ में ढाल में रखना है। जो भी ये नमक डाला है ना, मसाले वगैरह डाले, नमक डाला है तो उसकी वजह से पानी छोड़ता है, तो पूरा हाँ पसीजता है, वो एक साइड में आता रहे, नहीं तो ये एकदम ये ढीला हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये सिक्के तैयार हो चुके हैं एकदम कड़क कड़क। ये देखो कितने बढ़िया। और इधर अभी सोनी बना रही है, ये वाले बन रहे हैं आटे के। और इसमें मैदा डाला था ना, इसमें सिर्फ आटा ही डाला है, अरारूट डाला है? नहीं, नहीं, सिर्फ आटा। अरारूट वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ आटा डाला है। तो अभी आपको दोनों तरीके के देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ प्रोसेस वही है, इनके अंदर हमने डाला अरारूट और मैदा, और इसके अंदर डाला सिर्फ आटा। मैंने इसलिए ज़्यादा बनाए सुनने के, ये थोड़े कम पड़ेंगे, और भी बना लेते हैं, सबके लिए हो जाएंगे। पता भी चल जाएगा खाने से आटा और अरारोट वाले में कितना फ़र्क है। बस ये भी सिक रहे हैं, अभी सिकने देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हमारा नाश्ता बनके हो गया तैयार। कितना मस्त दिख रहा है। और आपको देख के ही इसको मुँह में पानी आया, तो बस लाइक कर देना अगर नहीं आया होगा, क्योंकि ये कटोरी खाली पड़ी है ना, इसके अंदर आएगी छुहारे वाली मीठी चटनी। जब आएगा इनको खाने मानंद, और इनको आप सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, वैसे सॉस के साथ और इमली की चटनी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगेंगे ये।
ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये आटे में से बनाए सोनी ने, तो इनका कलर थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन सा दिख रहा है। और ये हमारे परफेक्ट जो बनाए हमने, कितने मस्त दिख रहा है और कितना कुरकुरा क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार हुआ है। इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे आपको और चलिए टेस्ट भी करवाते हैं। अभी सोनी ना अपने घर के काम में जो साग सब्जी बनानी है उसमें लग गई है और इसको हम टेस्ट करवाते हैं। चलिए चटनी बन रखी है हमारी अम्मा जी के पास और अभी होगी हमारी थाली कंप्लीट। ये देखिए अभी इसमें मीठी चटनी आ गई छुहारे किशमिश वाली, अभी टेस्ट करवाते हैं। खा के टेस्ट करो अम्मा, कैसा लग रहा है पता चले। हाँ दो तरह की हैं, एक आटे का है एक अरारोट वाला है। स्वाद एक ही है, थोड़ा नरम और कुरकुरे का फर्क पड़ेगा बस। कैसा स्वाद को अम्मा? बढ़िया स्वाद है। कैसी लग रही हैं? कैसी लग रही है? बढ़िया बढ़िया लग रही। अरारोट की ज्यादा सही लग रही है, आटे वाली चने का। हाँ वो ना कुरकुरी है, अरारोट वाली थोड़ी कुरकुरी है। सही लग रही है ना? देख ले, बिना चटनी तो सही लग रहा है। अभी इधर तो नाश्ता चल रहा है, इधर का दे दिया पूरा, अभी बच्चों को खिलाते हैं। है मानसी बिना चटनी की अच्छी लग रही है? हाँ बिना चटनी की अच्छी लग रही है उसको तो। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है? वो कहाँ है? वो राज रह गया है, मानव ने तो खा ली। आवाज कैसी आ रही है गाइस? आवाज सुनिए, आवाज सुना विवेक, खा जिंदी। ये देखिए आवाज कितनी बढ़िया आ रही है। दोस्तों सभी ने बढ़िया बताई, सभी ने तारीफ की, बोल रहे थे बहुत आनंद आ गया, बहुत स्वाद की बनी एकदम कुरकुरी करारी करारी। और आप सब खा लीजिए, हम भी खाते हैं अभी। बस सोनी थोड़े बर्तन हैं उनको साफ़ कर रही है, जब तक हम खाते हैं सोनी की जो रखी है। और हमने किस तरीके से खाया ये देखिए, ऐसे हमने ये चटनी ली और फिर इसके ऊपर हमने ऐसे लगा दिया पहले, तो ये एक तरह की हमने चाट बना के खाई इसको। बहुत आनंद आया सभी को। हिमांशु ने तो दो बार लिया, बोला ताऊ मेरे को और चाहिए, तो दूसरी बार फिर लिया। आइए दोस्तों मेरे साथ और मैं भी टेस्ट करके आपको उसको बताता हूँ। आवाज़ सुनी आनंद आ गया। और ये हमारी छुहारे किशमिश वाली चटनी है, बहुत ही स्वादिष्ट। क्या कहने, इसके लिए जितने शब्द बोलूं कम है। बहुत ही स्वादिष्ट, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा बनने में और स्वाद का तो कोई मुकाबला नहीं है, इतनी स्वादिष्ट। सोनी के लिए जो बची, बच्चे खा गए, छीन के खा गए। एक 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 और दे दो, एक एक और दे दो। और दोस्तों अभी आपको हम इसकी आवाज़ सुनवाते हैं, कितनी क्रिस्पी कुरकुरी है, सुनाइए आवाज़। ओहो कैसी आवाज कर रही है, कुड़र कुड़र बोल रही है, मुरमुरे जैसी है, स्वाद तो कहना ही क्या। कैसी लग रही है तो बताइए, सबका रिव्यू मस्त आया, सब बोले बहुत गजब की बढ़िया बनी है। जो काम कर रहे हैं ना हमारे घर में वो भी बोले गजब की बनी है, बहुत स्वादिष्ट। और बाबूजी बोलिए कैसी लग रही है, एक नंबर एक नंबर। तो दोस्तों आपने सबका रिव्यू सुना और सबने बहुत ही तारीफ की, बहुत ही बोल रहे थे मजा आ गया, बहुत टेस्टी बनी है। और इतना झटपट बनने वाला आलू का नाश्ता आप सभी को पसंद आया तो बस वीडियो लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आप सभी को आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर आप नए हैं आप सभी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।